देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। पिछले कई दिनों से हिंसा की चपेट में मणिपुर में हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। पुलिस ने गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए राज्य में स्थिति को तनावपूर्ण बताया। राज्य में पिछले 24 घंटे में गोलीबारी और अनियंत्रित भीड़ की छिटपुट घटनाएं सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया है कि राज्य में कोटुप, साथ ही साथ हारोथेल और सेंजम चिराग इलाकों में क्रॉस फायरिंग की घटनाओं के दौरान एक सुरक्षा कर्मी की सूत्रों के मुताबिक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। राज्य भर में ताजा झड़पें शुरू होने से कुछ घंटे पहले मणिपुर में जातीय हिंसा में मारे गए कुकी जोमी लोगों को सामूहिक रूप से दफनाने की योजना पर रोक लगा दी गई। साथ ही साथ राज्य के कई इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। खासकर आपको बता दें विष्णुपुर जिले में, जहां पर हजारों स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की आवाजाही को रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक बयान में कहा गया है कि लगभग 600 लोगों की अनियंत्रित भीड़ इलाकों में जमा हो गई है, जबकि अधिकारियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें 25 लोग घायल हो गए। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे पंजाब केसरी।